बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर और मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आज जो लेक्चर की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लेक्चर की वीडियो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से। चैप्टर जो है वो हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर साइंस की जो बुक है जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी उस बुक के जो क्वेश्चन है, न्यू बुक हमारी है। 2023 में भी यही बुक लॉन्च हुई है, यही बुक आई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो मिस्टेक्स थी उनको चेंज किया है, मिस्टेक्स को सही किया है। कुछ क्वेश्चंस थे जो इन अप्रोप्रिएट थे उनको चेंज किया है। बाकी किसी के पास अगर पुरानी बुक है 2022 वाली वो यूज़ कर सकता है, सही। इससे पिछली जो भी बुक है वो यूज़ेबल नहीं है, सही। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमें बोला है ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी की बात करूँ तो मुझे ए जो दिया हुआ वो लिखूँगा 1 प्लस i 4i 0, उसके बाद 2 5 माइनस i 5 माइनस i, उसके बाद लिखा है 5, फिर लिखा है 3i 2 प्लस 3i 1 माइनस i, उसके बाद प्लस करना है तो बीच में प्लस की साइन, जिस मैट्रिक्स से प्लस करना है वो मैट्रिक्स, तो 2 प्लस i iota है ये i 6 प्लस iota, 3 माइनस iota 0 2, उसके बाद है 4 5 माइनस iota 2 प्लस 3 iota, सही है। तो ये हम आ जाते हैं ए प्लस बी के सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि हमारा स्टेप बचे। अच्छा, आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू को इस फर्स्ट से, जैसे कि यहाँ पर अगर आप टोटल गिनो तो 9 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी 9 है। ऑर्डर अगर देखो तो यहाँ 3 बाय 3 है और 3 बाय 3 है। एड या सब्ट्रैक्ट के वक्त हमेशा याद रखना है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक या मैट्रिक्स ले लें, मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इम्पॉसिबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स दे रहा है 2 बाय 2 ऑर्डर का, आगे 2 बाय 1 ऑर्डर दे रहा है, 2 बाय 3 ऑर्डर दे रहा है, या 2 बाय 2 से डिफरेंट कुछ भी दे रहा है, तो एडिशन नहीं करनी। या देखो ऑर्डर सेम है इसलिए करूँगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड वैल्यू को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, इस तरह 9 तक चलूँगा मैं। तो देखो यहाँ पर लिया हुआ है 1 प्लस iota, आगे प्लस की साइन और फिर ये है प्लस 2 प्लस iota। नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास 4 iota दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ iota, फिर नीचे 0, फिर आगे प्लस, फिर 6 प्लस iota, फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2। अब पहले देखो मैं क्या करूँ, ये तीनों वैल्यू उतारता हूँ, ईजी हो जाएगा। 5 प्लस iota, उसके बाद देखो मैंने 5 उतारा, अब ये तीनों वैल्यू उतारी। अब सेकेंड लाएंगे, या तीनों वैल्यू उतारूंगा प्लस साइन के बाद 3 माइनस iota। आपको जैसे ईजी लगे उतारना आप वैसे ईजी से उतार सकते हो, सही है। मुझे इस तरह कंफर्टेबल लग रहा था। वैसे तो ईजी मैथड यही है कि पहले ये तीन उतार लो, फिर वो तीन दूसरे तीन उतार लो, सही है। तो प्लस 4, यहाँ पर तीसरी दूसरी वैल्यू है 5 माइनस i, प्लस 2 प्लस 3 i, तो ये मैंने वैल्यूज़ उतार ली। अब सिंप्लीफिकेशन में जहाँ जो सॉल्व होगा मैं वो सॉल्व करके आंसर मेंशन कर दूँगा। तो a प्लस बी कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 1 प्लस 2 3 i प्लस i 2 i। यहाँ पर दोनों i की वैल्यूज ये सॉल्व होंगी 5 i, तो सिमिलर वैल्यूज़ ही सॉल्व करनी है। देखो 0 प्लस 6 तो 6 होगा और i 6 के साथ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए एज इट इज़। यहाँ पर 2 प्लस 3 5 माइनस i, इन दोनों में सॉल्यूशन हो नहीं रहा, 0 के साथ प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो 0 सेम ही आता है। यहाँ दोनों प्लस हो रहे हैं 5 प्लस 2 7, फिर 3 प्लस iota 3 iota प्लस 4, फिर आप इसको करो 2 प्लस 5 7 3 iota माइनस iota माइन प्लस 2 iota, फिर 1 प्लस 2 आपके पास आ रहा है 3 iota, और ये वाली सॉल्व हो रही है तो प्लस 3 और माइनस आयोटा तो प्लस 2 iota, सही है। अच्छा, बुक में आंसर क्या किया है, लिखते वक्त जहाँ पर भी आपके पास, जैसे पहला पार्ट आपका रियल होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है, तो जैसे ये वाला पार्ट है ना बुक में आपको लिख के दिया 4 प्लस 3 iota, आप इस तरह लिखो या बुक वाला आंसर लिखो, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई इशू नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर जब आयोटा पहले लिखा जाता है और रियल पार्ट, तो एक तरतीब होती है, रियल पार्ट को पहले लिखो, इमेजिनरी को बाद में लिखो। आपके पास आंसर ये चेक करो कि जो यहाँ पे साइन है आपकी वैल्यू में वही साइन बुक में है, तो इसका मतलब आंसर सही है। ऐसा नहीं हो कि बुक में 3 के साथ माइनस दी और आपकी प्लस आ रही, फिर गलत होगा आंसर, सही। तो ये आपका आंसर पहले पार्ट का सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं यही चीज़ बोल रहा है माइनस करने को। तो अब मैं देखो आपको आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पार्ट को मैं करेक्ट चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो कॉपी कर लिया। अब मैं इसी में चेंज क्या कर रहा हूँ, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। अब माइनस जब आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक माइनस लगाने से आंसर हो जाएगा। अब देखो चेंजिंग क्या होगी, तो आप चेंजिंग होगी तो आपको समझ आएगा, आप पूरी तरह से करोगे सही। अब मैंने क्या करना है, ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ये मैंने लाइंस बनाई तो आसानी हो जाएगी। हमें क्या करना होगा कि पहली वैल्यू लिखेंगे, जैसे ये पहली वैल्यू लिखी, अगली वैल्यू लिखूंगा लेकिन उससे पहले माइनस की साइन लगाऊंगा और ये माइनस को सॉल्व करूंगा इन दोनों से, अपना स्टेप बचाऊंगा। देखो माइनस टू, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी पीछे की वैल्यू ये सारी मिटा देता हूँ, फिर आपको कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ऊपर वाला सेम रखा है, ये क्लियर कर दिया मैंने। और यहाँ पर भी मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ लिख दूंगा ए माइनस बी, सही है। तो मैंने क्या लिखा, वन प्लस आई, फोर आई और जीरो, ये लिख दिया। माइनस की साइन है ना, ये माइनस की साइन को दोनों से सॉल्व करके लिखूंगा, माइनस टू फिर माइनस आयोटा, फिर आयोटा को सॉल्व करूंगा माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर माइनस सॉल्व करूंगा माइनस सिक्स माइनस आयोटा, यहाँ पर आ जाऊँ टू। ये तीनों पहले एज इट इज लिखता हूँ, क्योंकि इनसे पहले कोई साइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए से पहले कोई साइन होती माइनस या कोई नंबर होता तो वो मल्टीप्लाई करते, जैसे इस वाले पार्ट में करेंगे, सही है। ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है, ये हो जाएगा माइनस थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर माइनस जीरो, फिर माइनस टू, फिर आगे आ जाते हैं। ये तीनों वैल्यू को लिख लेता हूँ, थ्री आई टू प्लस थ्री आई वन माइनस आई, माइनस की साइन है, ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव, आयोटा से माइनस सॉल्व होगा माइनस माइनस, देखो ये वाली माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस को सॉल्व करूँगा, आखिरी वैल्यू से माइनस टू हो जाएगा और माइनस थ्री आई होगा, सही है। ये हो गया, अब मेरा ए माइनस बी का आंसर देखो क्या बनेगा, सॉल्व करके जैसे एडिशन किया था वैसे सब्ट्रैक्शन, दो नंबर सॉल्व होंगे। तो ये दोनों को सॉल्व किया, वन माइनस टू माइनस वन, आयोटा प्लस में और माइनस में कट गया, ये दोनों सॉल्व होंगे थ्री आई, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहा एज इट इज़, माइनस सिक्स माइनस आई। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास थ्री थ्री माइनस टू वन होता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस आयोटा यहाँ पर एज इट इज़ 5 माइनस आयोटा, नीचे सॉल्व करें 5 माइनस टू हमारे पास क्या होता है 3, यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों में हमारे पास से दो ही नंबर है, तो चाहो तो आप यूँ भी लिख सकते हो, जैसे बुक में दिया है माइनस फोर पहले लिखा है, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस आयोटा, इसको अरेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर इन दोनों को करूँ, 2 माइनस 5 हमारा माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 1 हमारा प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करूँ तो माइनस 1, बाकी दोनों को सॉल्व करूं यहाँ पर ही आयोटा से ही आयोटा का ऊपर आयो, माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है किसका, ए माइनस बी का। फिर थर्ड पार्ट आपको क्या दे रहा है, थर्ड पार्ट में आपको ए के साथ टू लगा रहा है और उसके बाद बी दे रहा है। तो इसके लिए मैं देखो क्या करूँगा, सवाल वैसे ही चलेगा मेरा। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, पार्ट नंबर थ्री है, पार्ट नंबर थ्री में मैं क्या लिख दूंगा, जो भी मेरे को टू ए दे रहा है और आगे माइनस बी दे रहा है, तो मैंने टू ए से पहले लिखना है और यहाँ माइनस की साइन लगानी है। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर आप इसको स्टेप को डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सवाल है। तो टू को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू आ टू वन ज़ा टू, फिर प्लस टू आई, फिर टू फोर ज़ा एट आई, टू ज़ीरो ज़ा जीरो, ये टू को आपने इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये तीनों से माइनस की साइन, अगर यहाँ भी कोई नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखता, तो माइनस टू माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा, फिर माइनस सिक्स माइनस आयोटा। अब फिर इसी तरह आप टू इस सेकेंड लाइन से मल्टीप्लाई होगा, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू आयोटा, फिर टू लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, टू फाइव ज़ा टेन। ये तीनों वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर माइनस की साइन के साथ लिखना है, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर माइनस ज़ीरो माइनस टू। लास्ट की तीनों वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करूँगा, थ्री टू ज़ा सिक्स आई, फिर टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स आई, यहाँ पर टू को मल्टीप्लाई करूँगा, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा यहाँ माइनस फोर माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस आयोटा, माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री आयो, सही। ये हमने सॉल्यूशन शो कर दिया। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, टू और टू सॉल्व हो रहा है, प्लस में माइनस में कट गया, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो प्लस आयोटा बच रहा है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप क्या लिख दोगे, आयोटा सिर्फ एट आयोटा, ये भी आयोटा की वैल्यू है, माइनस आयोटा सेवन आयोटा, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, माइनस सिक्स माइनस आयोटा,
फोर माइनस थ्री वन, फिर प्लस आयोटा, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं हमारी, दोनों सॉल्व नहीं हो रही, दोनों को लिख लेंगे टेन माइनस टू आई, टेन माइनस टू एट, फिर आगे आ जाते हैं ये एज इसमें अगर आप चाहो तो जैसे बुक में अरेंज करके दिया माइनस फोर पहले सिक्स आई बाद में लिख दो, यहाँ पर फोर माइनस फाइव माइनस वन सिक्स आयोटा प्लस आयोटा सेवन आयोटा, नीचे आ जाते हैं टू माइनस टू हमारा जीरो हो गया, बाकी दोनों को सॉल्व करें तो प्लस आयोटा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख दोगे आयोटा, वन आयोटा था वन भी लिखते नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया टू ए माइनस थ्री बी का। लास्ट जो दिया है वो देखो आपको क्या दिया हुआ है, थ्री ए प्लस बी माइनस वन, तो इसके अंदर हमारे को थ्री ए के साथ थ्री लिखना है, फिर प्लस की साइन, फिर बी लिखना है, और उसके बाद आई वाला मैट्रिक्स हमें लिखना है। तो देखो मैं किस तरह लिखूंगा, ये सारा जितना भी है मैं क्लियर करता हूँ यहीं पर ही, ये सारा हटा दिया मैंने। अब देखो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर फोर क्वेश्चन आपका है थ्री ए प्लस बी प्लस आई, सही, तो आपने थ्री लिखा पूरा मैट्रिक्स, फिर आपके पास साइन प्लस की है, आपने प्लस लगाई, बी की वैल्यू थी वो आपके ऊपर से कॉपी है, आखिर में आई है तो प्लस आई, आपको पता है आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स होता है वन जीरो, तो वो डायगनल में वन पहले रख दो, वन वन वन, ये तीन वन होते हैं बाकी सारे जीरो होते हैं, हर जगह जीरो लगा, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, सही। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इन सबको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, माइनस होती तो माइनस करते, तो देखो थ्री से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स को, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री आयोटा, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री जीरो ज़ा जीरो, पहले सबको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये पहली तीनों लाइनें प्लस हैं, तो प्लस टू आई प्लस आई, फिर प्लस आई प्लस सिक्स प्लस आई, आखिरी की अगर आ जाऊँ तो ये प्लस वन प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर तीनों वैल्यू को थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन और थ्री आयोटा, फिर थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फिर आगे आ जाते हैं, अब ये वाली ये तीनों लाइन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी बारी प्लस के बाद लिखने की, प्लस थ्री आई माइनस आई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर आगे प्लस जीरो प्लस टू, आखिर में आ जाते हैं प्लस जीरो प्लस वन प्लस जीरो, फिर लास्ट की तीन लाइन थ्री आई टू प्लस थ्री आई वन माइनस आई, फिर आगे आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो डायरेक्ट नहीं लिखना था, यहाँ पर हमें थ्री से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट लाइन, देखो ए के बाद थ्री है ना, तो थ्री को पहले थ्री से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फिर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री आयोटा, सही, आगे आ जाते हैं यहाँ पर, फिर प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फाइव माइनस आई प्लस टू प्लस थ्री, जो साइन होगी प्लस के बाद फिर एज इट इज आती है, आखिरी वाली लाइन की बात करूँ प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन, मैंने कॉपी कर लिया। अब लास्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, आयोटा की जितनी भी वैल्यूज है ना मैं उसको सॉल्व करूंगा, आयोटा की वैल्यू मेरे पास सिर्फ क्या आ रही है, थ्री आ रहा है, टू आ रहा है और वन, देखो ओ सॉरी बगैर आयोटा के, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिमिलर वैल्यूज को सॉल्व करोगे, थ्री आयोटा माइनस आयोटा प्लस फोर आयोटा, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे ट्वेल्व प्लस आई, यहाँ पर आ जाते हैं सिक्स प्लस आई, आगे आ जाते हैं यहाँ पर सिक्स प्लस थ्री नाइन माइनस आयोटा, जीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, फिर थ्री आयोटा एज इट इज, यहाँ पर फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन, आगे आ जाते हैं यहाँ पर, ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, किसी भी नंबर से सॉल्व नहीं हो रहे, अरेंज कर देता हूँ, पहले प्लस फोर फिर नाइन के साथ कोई साइन नहीं, प्लस नाइन आयोटा, सही है, फिर इनमें से सॉल्यूशन सिक्स प्लस नाइन की हो रही है और फाइव की हो रही है, तीनों की हो रही है, सिक्स प्लस नाइन हमारा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फाइव हमारा ट्वेंटी माइनस आयोटा, यहाँ पर थ्री टू और वन सॉल्व हो रहा है, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, प्लस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा कट गया, तो कटा हुआ है जीरो बच रहा है, लिखने की जरूरत है, तो ये आंसर आ गया थ्री ए प्लस बी प्लस वन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत इजी वे में समझाऊंगा, सही है, मल्टीप्लिकेशन पहले भी मैं समझा चुका था, वापस भी समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश है मेरी, तो कि बहुत ज़्यादा इजीएस्ट वे मल्टीप्लिकेशन का जो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो सबसे ईजी वे जो मल्टीप्लिकेशन का है मैट्रिक्स की, वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा, सही। अच्छा पहले तो यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, ए का ऑर्डर अलग है, बी का ऑर्डर अलग है, सी का ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर अलग है,
लास्ट में आपको लिख के दे रहा है इसी लाइन में कि वेदर पॉसिबल कंप्यूट फॉलिंग, कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ आपने सॉल्व करना है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ आपने सॉल्व नहीं करना। इसका मतलब आपको रूल को फॉलो करना है। रूल फॉलो करने के लिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो आपको मैं समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन जब भी आपको करनी हो, आप देखोगे फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स, क्या देखोगे? फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स देखोगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देखोगे कॉलम, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के रॉ से, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के रॉ से, तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन करोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है तो आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑर्डर लिखना ज़रूरी है सबका। आप लिखोगे इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3। इसमें देखो आपके पास 2 रॉ हैं और 3 कॉलम है, 2 बाय 3। इसमें आपके पास 3 रॉ हैं और 2 कॉलम है, सही। ऑर्डर लिख लिया, पहले मुझे दिया ए मल्टीप्लाई सी, रफ करेंगे। ए का ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3 आपने लिख दिया। सी का ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 बाय 2। सी का ऑर्डर है 3 बाय 2। देखो ये रॉ होती है, ये कॉलम होती है, ये रॉ होती है, ये कॉलम होती है। अगर लिखना चाहो तो इनके साथ 1 1 लिख दो, ये सेकंड मैट्रिक्स है 2। आपको मैंने बताया फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रॉ, अगर ये चीज़ इक्वल है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब ए सी की तो पॉसिबल है, मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ लिखा मैंने ए सी, सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ए मैट्रिक्स लिखूंगा। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 3 4 -2, फिर -4, 5 -3, 1 7 8, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मैट्रिक्स बनाने का मतलब भी यही है कि आपने मल्टीप्लिकेशन शो कर दी, सही है, कि इसका मतलब है मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 4 -3 7, ये हमने वैल्यूज लिख दी। हमें ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है। देखो मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई की रूल तो मैंने समझा दिया, मल्टीप्लाई इजी मेथड मैंने आपको बताया। इजी मेथड के लिए आप सबसे पहली चीज़ देखोगे कि कॉलम आप क्या काउंट करोगे, काउंट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो आपका सेकेंड मैट्रिक्स दिया है ना आप उसकी कॉलम काउंट करो। देखो मैं काउंट करता हूँ, ये एक कॉलम है मतलब C1, ये आपके पास कॉलम 2 है इसकी C2 आपने लिख दिया। 2 कॉलम है तो मैंने आपकी एक चीज़ काउंट करके बता दी, 2 कॉलम है। आपने क्या करना है, जितनी कॉलम की काउंटिंग आती है उतने टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, राइट फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो सेकेंड मैट्रिक्स में आपके पास जितनी कॉलम है उतनी दफ़ा आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉपी करना है। 2 कॉलम है, मैं इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा कॉपी करूंगा। कॉपी करने के वक्त आपने एक चीज़ ये करनी होगी कि हर नंबर के बाद आप मल्टीप्लाई की साइन लगाओगे। फर्स्ट लाइन को कुछ भी नहीं करोगे, एज इट इज़ लिखोगे, सही। उसके बाद जब भी कोई सेकंड थर्ड लाइन जितनी भी मैट्रिक्स में दिया, आप हर नंबर के पहले जो साइन है वो भी इंक्लूड लिखोगे। तो यहाँ -4 है तो -4 लिखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपके पास क्या है +5 है तो आपने लिख दिया +5, फिर मल्टीप्लाई, लास्ट -3, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे आ जाते हैं 1 मल्टीप्लाई, फिर 7 मल्टीप्लाई और फिर 8 मल्टीप्लाई। ये आपके पास एक दफ़ा आपने लिखा, यही चीज़ आपने एक और दफ़ा कॉपी करनी है। देखो 3 -4 -2, अब आपने क्या करना, ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, आपने ये चीज़ दी हुई है, ये पूरा दिए लिखा है आपने, इस पूरे को आपने वापस क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, सही है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ जो लिखा है, और गैप इतना रखना है कि एक नंबर आपका यहाँ मल्टीप्लाई के लिए आए, सही, क्योंकि सामने से नंबर आएगा। +5 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय, +7 मल्टीप्लाई बाय, +8 मल्टीप्लाई बाय, ये आपने वैल्यूज लिख दी। 2 दफ़ा लिखना था, आपने लिख के मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि कॉलम में आपने नंबर लिए, जो आपके कॉलम में नंबर है उसको आपने राइट कर देना है रॉ में, क्या कर देना है, ये याद रखना। कॉलम के नंबर को आप कैसे राइट करोगे, रॉ में। देखो कॉलम के नंबर है -5 6 और -2, तो -5 6 -2 रॉ में लिख दिए। आगे के भी यही करोगे, इसी तरह ये कॉलम है रॉ में उतारोगे 4 -3 7, जो नंबर आपका ऊपर आ रहा है वही नंबर आपका नीचे आएगा। तो देखो 5 माइनस ऊपर था, वही -5 नीचे आ गया,
माइनस फाइव ऊपर है, यहाँ भी माइनस फाइव नीचे है। देखो सेम नंबर को ऊपर से कॉपी कर देना है, बाकी इसके अलावा कोई चेंजिंग की आपकी कोई नीड नहीं है। देख रहा हूँ मैं नंबर को ऊपर कॉपी कर रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से या स्टूडेंट को लगने वाला सबसे ईजीएस्ट मेथड है, जो मल्टीप्लीकेशन को मैंने आपको समझा दिया कि कॉलम काउंट करो, उतनी दफ़ा मैट्रिक्स लिखो, फिर आप कॉलम से राइट कर दो मैट्रिक्स को, तीन स्टेप में आपकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और एरर या मिस्टेक का चांस सबसे ज़्यादा निगलेक्ट यहीं पर हो जाएगा आपका, सही है, क्योंकि एरर या मिस्टेक नहीं होगी आपकी, वरना मल्टीप्लीकेशन में ही स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15, फिर माइनस 4 6 24, फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 2। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखो पूरी वैल्यू जैसे लिखी हुई है, भले कहीं दो साइन आ रही है तो दो साइन माइनस की भी लिखो, कोई इशू नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे ही लिखोगे आपको एक नंबर में आंसर दे देगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप, सही है। तो माइनस माइनस आगे मैं डायरेक्ट भी इंशाल्लाह कराऊंगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 20, फिर प्लस 6 5 30, फिर प्लस माइनस माइनस 7 2 14, नीचे आ जाते हैं माइनस माइनस प्लस 5 2 10, माइनस 6 3 18, फिर माइनस 8 2 16, आगे बढ़ते हैं 3 4 12, फिर माइनस माइनस दो साइन आ रही थी। तो आपने ये याद रखना, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन भी उन्हीं की मल्टीप्लाई करोगे, आगे पीछे की कोई साइन नहीं देखोगे। 3 4 12 प्लस का आ गया, फिर प्लस 1 7 7, फिर माइनस प्लस माइनस 4 4 16, प्लस माइनस माइन प्लस माइनस माइनस 5 3 15, फिर प्लस 7 7 49, माइनस प्लस माइनस 2 4 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, फिर प्लस 8 7 56, सही है, ये हो गया। आगे आ जाते हैं, अब ये तीनों नंबर को आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करना है, माइनस 15 माइनस 24 और माइनस 2, तो ये आपका आता है माइनस 15 और माइनस 24 होता है माइनस का 39 और ये होगा माइनस का 41। 20 प्लस 30 50, 50 में से आप अगर 14 माइनस हम करते हैं तो 36 आएगा, 10 माइनस 18 में करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, फिर माइनस 8 और माइनस 16 को करूँगा तो माइनस माइनस प्लस। अगर आपको मुश्किल लगे तो देखो पहले दो नंबर करो, इनका सॉल्यूशन जो आ रहा है पेंसिल से या रफ वर्क में साइड में रखो, फिर बाकी दो नंबर्स को सॉल्व करो। तो माइनस 8 और माइनस 16 हमारा होता है माइनस माइनस प्लस माइनस का 24। आगे आते हैं 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 7 31। यहाँ पर आपकी मर्जी, आप स्टार्ट से शुरू करो या लास्ट से, पहले स्टार्ट से ही ले लेता हूँ। तो माइनस 16 और माइनस 15 माइनस 31 हो जाएगा, आगे दिया हुआ प्लस 49, ये रफ किया, फिर प्लस माइनस माइनस 49 में से 31 माइनस करेंगे तो 18 आएगा साइन ग्रेटर नंबर के प्लस के, तो सिर्फ यहाँ 18 लिखेंगे। लास्ट में 9 माइनस 8 1 1 प्लस 56 57, तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए सी की मल्टीप्लीकेशन का आ गया, सही है। तो ये पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया, अगले पार्ट में मुझे बी मल्टीप्लाई बाय सी दिया, रफ वर्क करूंगा सबसे पहले तो चेक करने के लिए कि आया इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया, बी सी दिया हुआ है, तो आपने बी मैट्रिक्स लिखा 2 बाय 3 ऑर्डर का है, फिर आपने सी मैट्रिक्स देखा उसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 2 है, ऑर्डर सेम आ रहा है, ऑर्डर सेम आने का मकसद है यहाँ पर पॉसिबल है, पॉसिबल है तो हम पॉसिबल सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, जो जो मैट्रिक्स दिए हम उसी को कॉपी करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, ए को बी को सी से करना है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। मैं सारा जितना भी है ये मिटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ कि अच्छा ये मैं नीचे नहीं कर रहा, इसकी वजह भी ये रख रहा हूँ कि आपके सामने मैट्रिक्स होना ज़रूरी है कि आपकी मिस्टेक ना हो वैल्यू उतारते वक्त, सही है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू दी हुई उसी से सॉल्व कराऊँ ऊपर से देख के, तो ईजी हो जाएगा। देखो बी सी मैंने यहाँ पर लिखा, बी सी की मल्टीप्लीकेशन करने सॉल्यूशन, अब मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा, बी मैट्रिक्स है 3 2 4 -3 -1 5, ये लिख दिया, फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया -5 6 -2 4 -3 7। आपने रूल फॉलो करना है, देखो रूल मैंने लिख दिया, सबसे पहले क्या करेंगे मैट्रिक्स कॉलम काउंट करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स की, मैंने काउंट कर लिया यहाँ पर भी कितनी कॉलम है मेरे पास, 1 2, दो कॉलम है, दो कॉलम का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को आपने 2 टाइम्स कॉपी करना है। तो 2 टाइम्स कॉपी करने के लिए इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा कॉपी करूँगा। आप यूँ भी कर सकते हो, देखो ये आपने कॉपी किया, या आप इस तरह करो, और इजी करने का एक और तरीका देखो, मैट्रिक्स आप बनाओ, पहले ये सारे नंबर लिख लो 3 2,
गैप से लिखोगे यहाँ पर आपके पास नंबर और साइन आने की जो जगह है, फिर जो साइन है वो लिख दो माइनस वन और ये प्लस फाइव, ये लिख दिया आपने नंबर, हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई कर दो, पहले सारे नंबर उतार लो उसके बाद हर किसी के बाद मल्टीप्लाई की साइन लगा दो। एक दफ़ा कॉपी कर लिया, एक और दफ़ा कॉपी करूँगा, थ्री टू फोर माइनस थ्री माइनस वन और फाइव, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस, और उसके बाद हर किसी के बाद मल्टीप्लाई। और दूसरी दफ़ा कॉपी करते वक्त या जितनी दफ़ा आप कॉपी करोगे यहाँ पर आप बीच में गैप ज़रूर करोगे, गैप नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पहला रूल था वो भी करा दिया, राइट मैट्रिक्स उतनी टाइम लिखना है वो भी करा दिया। तीसरा क्या है, कॉलम के नंबर को आपने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है रॉ के अंदर। देखो ये कॉलम के नंबर है फाइव, देखो ये यूँ आता है ना, जैसे यूँ आप नंबर देखते हो और कॉपी यूँ करोगे और सी यूँ करोगे, मतलब देखोगे यूँ और कॉपी यूँ करोगे, देख लिया। तो देखो माइनस फाइव सिक्स माइनस टू, फिर आगे है फोर माइनस थ्री सेवन। इन केस अगर आपने यहाँ पर ये चेक गलत किया हो या आपने चेक नहीं किया होगा तो अगर मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल होगी ना तो यहाँ जितने नंबर है वो लास्ट में ख़त्म होने के बजाय या तो पहले ख़त्म हो जाएंगे या बच रहे होंगे, बच रहे हो कम आ रहे हो तो इसका मतलब है या तो आपने मिस्टेक किया है या तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रख लेना। सही है, जो नंबर ऊपर कॉपी होता है वही नंबर हमारा नीचे भी कॉपी होता है, तो मैंने क्या किया जो नंबर मैंने ऊपर लिख दिया वो नीचे ही कॉपी करा। प्लस माइनस माइनस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर, फिर माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, फाइव टू ज़ा टेन, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, फाइव टू ज़ा टेन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, डायरेक्ट मैंने बता दिया आप कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, वन सेवन ज़ा सेवन, फोर टू ज़ा एट, माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 24 में से आप जो 15 माइनस करोगे प्लस 9 बचेगा, प्लस का 9 प्लस 2 हमारा हो गया 11। यहाँ पर सारे माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस 28, फिर माइनस 28 और माइनस 10 करेंगे माइनस 38। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर, 12 में से 12 तो कट गया, सीधा सीधा बच गया माइनस 7। 9 प्लस 8 आपका हो गया 6, 17, 17 में आपने प्लस कर देना 35, 17 में अगर 35 प्लस करते हैं तो 45, और 45 प्लस 7 करते हैं तो 52। आई बात समझ, तो ये मेरा आंसर आ गया किस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2BC का। सही है, तो अब अगर एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने चेक किया, तो इसमें देखो आपने इन दोनों नंबर से चेक किया कि भाई आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, फिर आपके पास दो नंबर बच गए 2 और 2, ये आपका जो आंसर मैट्रिक्स आएगा ना, आंसर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर होगा। देखो आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, दो रॉ दो कॉलम है, सही है, तो ये बात आप याद रख लेना। सही है, MCQs में पूछी जा सकती है। तीसरा मुझे क्या दिया, ए बी, चेक करता हूँ भाई ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, मैं मेहनत करूँ फिर बाद में। सही है ना, 3/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, इसका मतलब ये वाला क्या है इम्पॉसिबल है। फिर आगे बी ए दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ होगा तो पहले आप बी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखोगे, फिर आप उसके बाद ए मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखोगे। अब देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब बी ए पॉसिबल है, जब बी ए पॉसिबल है तो मैं बी ए को सॉल्यूशन करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ, अपने पार्ट नंबर 3 तो इम्पॉसिबल हो गया, पार्ट नंबर 4 बी ए सॉल्व करेंगे। बी ए सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखना है। तो मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम बच जाएगा। सही है, ये मैंने देखो करेक्शन कर लिया। आपके पास करेक्शन का चांस नहीं, आपको तो प्रैक्टिस करनी है। देखो चीज़ें मेरे को आती है, मैंने आपने आपको सिखानी है ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सही है, आपके पास ए मैट्रिक्स कॉपी करना है आपको। ए मैट्रिक्स देखो ये रहा ऊपर, 3, 4, -2, उसके बाद आगे जो नंबर है हमारे पास क्या है, -4, -5, -3, 1, 7, 8। सही है, बी और ए हो गया आपका कॉपी। अब आपके पास देखो 1, 2, 3, यहाँ पर 3 कॉलम है, जब यहाँ पर आपके पास कॉलम 3 है तो इसका मतलब हो गया कि आपको अब की बार 3 दफ़ा इसे कॉपी करना है। तो आपने देखो बी मैट्रिक्स को एक दफ़ा कॉपी किया हुआ है, एक और दफ़ा कॉपी किया हुआ है, दो दफ़ा आपका कॉपी हुआ हुआ है, इसका मतलब आपको तीसरी दफ़ा भी कॉपी करना है इस वाले सवाल में। तो तीसरी दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, देखो जो मैंने पीछे लिखा है उसी को देखते हुए आप आगे लिख लो,
कोई चेंजिंग नहीं है कि आप ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए वहीं से देख लो ज़्यादा अच्छा है। मैंने 3 दफ़ा कॉपी कर लिया। तरीका आपको बताया कि यहाँ रॉ से नंबर लेने, कॉलम से नंबर लेने, रॉ में पुट करने, 3, 4 और -2। तो 3, 4, -2, आगे क्या है, -4, 5, -3, फिर आगे क्या है, 1, 7 और 8। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किए वही आपने नीचे कॉपी कर देने हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, वरना आप लोगों ने क्या मैट्रिक में रॉ कॉलम वाला मेथड किया होगा, उससे बहुत इजी मेथड है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर। सही है, तो ये मैंने क्या है रफ कर दिया, ये मेरे नीड में नहीं है, आगे बढ़ जाता हूँ। सही, आगे आप सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपका स्टेप बचेगा, साइंटिफिक नहीं है आपके पास तो आपने सॉल्यूशन करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, -+2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, फिर 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, -+3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, -+ -5 3 ज़ा 15। आगे बढ़ता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 7 4 ज़ा 28, -8, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, 8 5 ज़ा 40। ये हो गया 9 + 6 25, 25 + 2 27, 6 - 12, माइनस का 6 बजेगा, -6 एंड -10 -16, 20 में से 12 माइनस हुआ 8, प्लस का 8 और प्लस का 3 हो गया 11, ये सारे माइनस के हैं, 8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 और -15 हो जाता है, माइनस का 23 और 15 हमारा हो जाता है 38 माइनस का हो जाएगा। सही, अब इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये आएगा -25, पहले -25 + 8, -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 और 8 हमारा हो जाता है 33 माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करूँगा ये आ रहा है -19, फिर +40, तो -++ 40 में से 19 जाएगा, 21 बचता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये मेरा आंसर आ गया किसका, पार्ट नंबर 4 का। 8 पार्ट आपको दे रहा है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, जिस तरह क्वेश्चन दे रहा है उस तरह आप सॉल्व करोगे। देखो सी आपको दिया हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज करके कॉपी करोगे स्टेप को शॉर्ट करने के लिए। ट्रांसपोज में आपको रॉ को चेंज करना होता है किसमें, कॉलम के अंदर, मतलब आपको नंबर इस अकॉर्डिंग दिए हुए रॉ में आपको इस कॉलम अकॉर्डिंग में ले जाने हैं। देखो यहाँ से देखूंगा -4, -5, -5 और 4 रॉ में था, कॉलम में ले आऊँगा, आगे भी करूँगा 6, -3, फिर 2 और 7, ये मेरे पास सी ट्रांसपोज आ गया। फिर इसी तरह बी ट्रांसपोज लिखूंगा, बी ट्रांसपोज में आपके पास देखो ये रॉ है, कॉलम में ले आऊँगा 3, 4, -1, फिर 2, -3 एंड 5, मैंने वैल्यूज लिख दी। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, रूल को चेक करना है तो सही है, नहीं तो बगैर रूल चेक करे भी कर सकते हैं, रूल चेक कर लेते हैं फिर भी। तो 2 रॉ हैं, 3 कॉलम है, फिर आपके पास कितनी, 3 रॉ हैं, 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स में सेम है इसलिए पॉसिबल है। करने का तरीका वही, 1 कॉलम 2 कॉलम, कॉलम 2 इसलिए 2 दफ़ा इसको कॉपी करना है, -5, 4, 6, -3, 2, 7, 1 दफ़ा कॉपी किया, फिर गैप देना है आपने, फिर सेकेंड टाइम आपने इसको कॉपी करना है 6, -3, 2, 7, हर किसी साइन के पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई के साइन आ जाएगी। अब हर किसी के पास क्या लगा लोगे, मल्टीप्लाई के साइन लगा लोगे, फिर उसके बाद हर नंबर से पहले जहाँ साइन नहीं है वहाँ प्लस लगाओगे फर्स्ट को छोड़कर, क्लियर। तो ये आपने मल्टीप्लाई की और प्लस के साइन इंसर्ट करें, फिर यहाँ से आपने रॉ के नंबर, कॉलम के नंबर को रॉ में इंसर्ट करना है, 3, 4, -1, 2, -3 और 5, जो नंबर आपको ऊपर आ रहा है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना है। सही, तो ये आपका नंबर्स को कॉपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5 3 ज़ा 15, 6 4 ज़ा 24, +-2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12। अच्छा इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन अपने सामने रखा हुआ है, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। इस पार्ट के लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो 11, -7, फिर -38, फिर 52। सही है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया। सही है, तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर में सारे नंबर लिखने, आपके पास आंसर है, मेन मकसद जो था समझाने का वो आपको सॉल्यूशन पार्ट मैंने क्लियर कर दिया। सही, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखो सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, पार्ट नंबर 9 में। इसमें आपके पास सी ट्रांसपोज आपने ये निकाल लिया है इसलिए आप यहीं से कॉपी कर,
जो चीज़ आपने एक दफ़ा निकाल ली है वापस निकालने से बेहतर है आप उसको कॉपी कर लो। आपको निकालना वापस है तो आप निकाल लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सही, ए ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स ए, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, में मैट्रिक्स ए को कॉपी करूंगा रॉ से कॉलम में कन्वर्ट करते हुए। सही है, देखो 3, 4 और 1 यू था, मैंने कॉलम में ले लिया। फिर आपके पास है 4, 5, 7 हो गया, फिर -2, -3 और 8 हो गया। सही है, ये नंबर्स उतर गए। मल्टीप्लीकेशन करनी है, रूल आपके पास सामने आपके, ये आपके पास एक कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी, तीन कॉलम है, इसलिए 3 दफ़ा आपने सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स उतारना है। -5, 4, फिर 6, -3, फिर 2, 7 एक दफ़ा कॉपी किया, फिर -5, 4, 6, -3, 2, 7 दूसरी दफ़ा कॉपी किया, थर्ड टाइम भी कॉपी करेंगे -5, 4, 6, -3, 2, 7 तीन दफ़ा कॉपी हो गया। अब हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हर किसी के बाद आनी है, तो हर किसी के पास आखिर तक आपने मल्टीप्लाई को लिखते जाना है। हो गया, हर नंबर से पहले प्लस की साइन, देखो यहाँ पर प्लस की साइन, प्लस की साइन यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट में तो लिखते ही नहीं है प्लस, माइनस पहले से मौजूद है लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस और फिर आगे। अब यहाँ पर कॉलम से नंबर इंसर्ट होंगे रॉ में, देखो 3, फिर -4, 1 फिर आपके पास है 4, 5, 7 फिर आपके पास है -2, -3 और 8 जो नंबर आपके पास ऊपर आ रहा है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना। देखो गैप ज़्यादा नहीं रखोगे फिर मुश्किल होगी। सही है, 5, 7, -2, -3 और 8 सबको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर आएगा -41, फिर 31, फिर -4, 50, -24 एंड 57 मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है तो मैं वहीं से आंसर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सही है, तो पार्ट नंबर हमारा 9 हो गया। पार्ट नंबर 10 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 10 हमें दिया हुआ है सी ए और फिर बी। अब सी ए की बात करूँ ना तो सी का ऑर्डर जो है वो मेरे पास 3/2 है, ये रफ्फा करने की ज़रूरत है, ये यहीं पे कर सकते हो आप। ए का ऑर्डर 3/3 है। अगर आप इन दोनों को देखो तो जब सी ए को इम्पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन में आ गया है तो इसका मतलब है कि आप आगे इसको बी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो इम्पॉसिबल इस वजह से क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, नंबर 3 को करें। सही, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह में आपके पास स्कूल कॉलेज में आ सकता है इसमें से। सही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। अच्छा, इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट तो ये कि उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक मतलब जिनके पास 2022 है, अपनी बुक के पीछे एडिशन देख लेना, उसमें आपने क्या करना है, ये एक जगह पे करेक्शन करनी है। ये जो नंबर 1 दिया है इसको आपने क्या करना है 2। न्यू बुक में मैंने देखी नहीं, मुझे याद नहीं है कि उसमें करेक्शन किए कि नहीं, लेकिन आपने यह करेक्शन करनी है। अगर आप इस करेक्शन के बगैर इसको सॉल्व करोगे तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। सही है, तो इस सवाल में देखो आपको क्या करना है, एक्स को पहले वाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स को जेड से करना है, दोनों का जो आंसर है वो आपका सेम आना है। सही, पहले मैं एक्स वाई आपको करके दिखा रहा हूँ, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। आपने अच्छी मल्टीप्लिकेशन की अगर प्रैक्टिस की है तो फिर आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि काफ़ी मैंने मल्टीप्लिकेशन के सवाल कराएं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मल्टीप्लिकेशन उतनी ही आपको ये टॉपिक कवर होगा और उतनी ही आसानी से समझ आएगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप यहाँ कर लोगे। आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास 3 कॉलम है, 3 दफ़ा आपने कॉपी करना है, तो मैं 3 दफ़ा कॉपी करने के लिए 1, 2, 4, -3, फिर 1, फिर -3, फिर 2, -3, -1 एक दफ़ा कॉपी किया, सेकंड टाइम कॉपी करूँगा 1, 2, 4, -3, 1, -3, 2, -3, -1 फिर एक और दफ़ा 1, 2, 4, -3, 1, -3, 2, -3 कोशिश करोगे आपकी कॉपी के एक लाइन में आ जाए एक ही स्टेप में, नहीं आता तो ये 2 करने के बाद तीसरा आप नीचे करके बीच में करना, बिल्कुल साइड से नहीं करना कि आपको जब देखो तो याद आ जाए हाँ ये इसी का स्टेप कंटिन्यू, तो थोड़ा सा गैप शुरू में छोड़ना फिर नीचे करना। सही, मैं जगह दी तो मैंने याद किया। अब उसके बाद आपने हर नंबर के बाद पहले मल्टीप्लाई की साइन करनी है, उसके बाद फिर आगे नंबर इंसर्ट करना है, वरना आप कन्फ्यूज रह जाओगे। सही है, मल्टीप्लाई की जगह आप ब्रैकेट्स भी बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रैकेट बन जाएंगे इसलिए मैं ब्रैकेट्स को अवॉइड करता हूँ। जहाँ नीड ना हो वहाँ ब्रैकेट को आप ना यूज़ करो, मल्टीप्लाई के साइन ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पर। सही है,
तो ये हमने मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, जहाँ साइन नहीं है वहाँ पर प्लस की साइन। देखो देखता जा रहा हूँ, ये पहली लाइन में तो कोई साइन लगती नहीं है, यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ लगा दी, यहाँ पर आपके पास साइन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर स्टार्ट में नहीं लगती। यहाँ पर आप कॉलम से नंबर लोगे या रॉ में पुट करोगे? देखो 2, 3, 3, 1, -2, -5, -1, -1, -1, फिर नीचे 2, 2, 3, 3, जो नंबर आपका ऊपर आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक जगह पे, आपने उस नंबर को बस इंसर्ट कर देना है, आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत ज़्यादा पक्के हो जाओगे। किसी को समझाना भी बहुत ईजी है मैथड, बनिस्बत जो रॉ कॉलम की मल्टीप्लीकेशन के ज़रिए समझते हैं या समझाते हैं। सही है, तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, मेरे पास सामने कैलकुलेटर में मैंने स्टेप करके रखा हुआ है कि आसानी हो जाए, टाइम बच जाए। तो मल्टीप्लीकेशन जब मैं इसकी कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है -1, -2, -4, -3, 15, फिर 15, फिर 0, 0, 0, ये मेरा आंसर आ रहा है एक्स वाई का। फिर इसी तरह सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, एक्स जेड मुझे सवाल में बोला है, तो मैं एक्स जेड की मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पर करके देखता हूँ। सही, यहीं पर साइड में कर लेता हूँ जगह बना के, यहाँ पर मेरे जगह आ रही है। अब मैं यहाँ एक्स जेड मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, मैं वो कॉपी करूँगा देख के, 1, 2, 4, आप बुक से देख सकते हो अगर आपको दिखने में कोई इशू आ रहा है। सही है, वरना देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सामने कॉपी करता जा रहा हूँ। -3, -1, एक्स मैट्रिक्स उतार लिया। उसके बाद आपने जेड मैट्रिक्स उतारना है। देखो जेड मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, 1, 2, इसमें करेक्शन करिए वो उतारोगे। सही है, करेक्शन नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा आपका। मैंने उतार लिया, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मल्टीप्लीकेशन के वक्त यहाँ पर मेरे पास कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं, 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब 3 टाइम्स उतारना है मुझे, 1, 2, 4, -3, 1, -3, फिर 2, -3, -1, एक दफ़ा उतारा, सेकेंड टाइम उतारूंगा, देखो 1, 2। अब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल कॉपी में अगर जगह ख़त्म होती है फिर आप कैसे करोगे वो भी समझाता हूँ, तो आपको वो भी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो -3, -1, अब देखो अगर आपके पास कॉपी में जगह ख़त्म हो तो आप कोशिश करो कि शुरू से ना करो, थोड़ा सा आगे से करो कि आपके कन्फ्यूजन ना हो उतारते वक्त या समझते वक्त। तो 1, 2, 4, -3, 1, -3, 2, -3 और -1, हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई की साइन, और हर नंबर के बाद आपके पास क्या आएगी, प्लस की साइन, जहाँ नीड होगी वहाँ लगी जाएगी, और जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ प्लस वगैरह की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने। देखो मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा, देखो माइनस माइनस लगी हुई है, लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा, स्टार्ट में नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर ये आ गई। सही है, ये हो गया मेरे पास, जितनी भी साइंस वगैरह लगानी थी मैंने लगा दी। अब नंबर उतारूँगा यहाँ से, 1, 2, 2, 4, 1, -2, 1, 1, 0, जो नंबर आपका ऊपर कॉपी है वही आपने क्या कर देना है, नीचे कॉपी कर देना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, और कुछ ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं। अगर देखोगे तो लाजमी कहीं ना कहीं से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इससे बेहतर है कि एक ही तरीके से एक ही जगह देखो। सही है, तो ये आ गया 1, एक ही पैटर्न पे चलने में ये होता है कि आपको इजी हो जाता है समझना। सही, तो ये हो गया, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस पूरे को आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारा सेम है, -1, -2, -4, -3, माइनस का 3 आ रहा था, फिर 15, 15 और फिर 0, 0, इसको भी मल्टीप्लाई करके आपका सेम ही आंसर आएगा। तो सेम आंसर आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो एक्स जेड है और एक्स वाई है दोनों का आंसर सेम है, आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। सही है, तो प्रैक्टिस के सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, इस सवाल को पूरा आप कंप्लीट सॉल्व करो। सही है, नेक्स्ट सवाल भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन और टेस्ट वगैरह के लिए। एग्जामिनेशन में तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके स्कूल कॉलेज के असेसमेंट टेस्ट वगैरह में आपका आ सकता है। तो जितने प्रैक्टिस करोगे, देखो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ज़्यादा होना आपके ही फायदे के लिए है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप ज़्यादा और स्ट्रांग होते हो। सही है, सबसे पहले तो आपको अपना ए स्क्वायर करना है, सबसे पहले स्टेप करूँगा, पहले ए स्क्वायर करूँगा। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई, -2, -1, 0, 1, 4, 8, 0, 3, 5,
फिर वापस से ए मैट्रिक्स लिखूंगा, माइनस टू माइनस वन जीरो, 1 4 8 0 3 5। आप भी लिख लिख के थक गए हो, मैं भी लिख लिख के थक गया, लेकिन कराना भी ज़रूरी है। आप करोगे तो आपको पक्का होगा ना, सही है। तीन कॉलम है, तीन दफ़ा इस पहले मैट्रिक्स को उतारूंगा, माइनस टू माइनस वन जीरो, 1 4 8 0 3 5। देखो काम से भागोगे, मेहनत से भागोगे, कभी भी कामयाब नहीं होगे। कामयाब होना है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। मेहनत का फल फौरन नहीं मिलता, टाइम बाद मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और जब वो फल मिलता है तो फिर लोग सिर्फ रश करते हैं कि यार इसके पास कैसा आया, ये नहीं समझते, ये नहीं देखते कि लोग इंसान ने पीछे मेहनत कितनी की है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो आपकी मेहनत इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, सही है। इल्म हासिल करना आप पे फ़र्ज़ है, इल्म बांटना जिसके पास इल्म है उसको ज़रूरी है, सही है। मैंने तीन दफ़ा उतार लिया, अब हर नंबर के बाद मैं मल्टीप्लाई के साइन इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पर हर नंबर के बाद पहले मल्टीप्लाई के साइन लगाता हूँ, फिर जहाँ मुझे पता है नीड लगानी है प्लस वगैरह के साइन, प्लस की, तो वहाँ पर मैं प्लस की साइन बाद में लगाऊंगा। पहले मल्टीप्लाई की साइन हर जगह आ गई मेरी। कोशिश करो जितना साफ सुथरा काम करोगे, रिवीजन करते वक्त आपको बहुत इजी होगा। उस वक्त आप एक दो दफ़ा वीडियो देख लोगे या एक दफ़ा अपना कोई सॉल्यूशन भी देखोगे, वो फौरन आसानी से याद आ जाएगा। ये आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नंबर इंसर्ट करने से पहले साइन देखो। यहाँ साइन नहीं है हर जगह, पहली लाइन को छोड़ के बाकी जगह पे साइन आती है। फर्स्ट लाइन में कोई साइन नहीं, सेकंड लाइन में साइन नहीं है, थर्ड लाइन में कोई साइन नहीं है, वहाँ पर साइन आपने प्लस की लगा देनी है। यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन छोड़ दी, फिर आपने हर किसी जगह प्लस की साइन जहाँ पर नहीं है आपने लगा दी, सही है। अब यहाँ पर नंबर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस टू माइनस वन जीरो, 1 4 8 0 3 एंड 5। जो नंबर आपका ऊपर आ रहा है वही नंबर आपका नीचे भी आ जाएगा, सही है। इसको करने के बाद फिर आपने कैलकुलेटर यूज करना है। कैलकुलेटर में सारे स्टेप को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपने वो लिखना है, सही है। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है कैलकुलेटर में। अब मैं कैलकुलेटर आपके सामने इस्तेमाल करूंगा अपना भी, सही, कैलकुलेटर में ही देखूंगा मैं भी के सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सही है। तो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर में जब मैंने सॉल्व किया हुआ था, मेरे पास आंसर आया था इसका 3 माइनस 2 माइनस 8, उसके बाद 2 39, 72, 3 27 और 49, ये आ गया, ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आगे जो दिया हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a, 4i। तो जिस तरह अब दिया हुआ है उस तरह वो कॉपी करूंगा, इसी के नीचे ले लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। यहाँ पर भी आपने कैलकुलेटर से करना होगा, मैं समझाता होता हूँ कैलकुलेटर से आप कैसे करोगे। पहले तो आपने ए स्क्वायर का मैट्रिक्स उतारा, और यहाँ थोड़ा आप स्टेप डायरेक्ट करोगे वरना बहुत लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। माइनस की साइन आपने एज इट इज लिख दी, आपने फिर 5a दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना आपको, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आ लोगे। तो कोई मैट्रिक्स ए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, आप अपने सामने बुक भी यूज़ कर दो। हर नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या करना है, ए मैट्रिक्स के हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे कॉपी करना है। ऊपर नंबर देखोगे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 0 0, तो इससे आपका स्टेप बचेगा, 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, फिर 5 0 0, 5 3 15, 5 5 25। ये आपने क्या कर दिया, 5a उतार लिया। उसके बाद प्लस 4i दे रहा है, आपको पता है i मैट्रिक्स क्या होता है, आपका ऐसा मैट्रिक्स जिसमें यहाँ सारे नंबर अगर 1 हो बाकी सारे आपके 0 हो, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो तो देखो ये किया, आपको 4i दे रहा है ना, इसका मतलब हर 1 की जगह आपने क्या करना है, 4 लिखना है, और इस टाइप को आप स्केलर मैट्रिक्स बोलते हो, सही है। ये आपके मैट्रिक्स हो गया। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना है देखो, समझ लो आप कैलकुलेटर में फर्स्ट वैल्यू लिखोगे 3, फिर आपके पास दो साइन आ रही है, आप चाहो तो साइन सॉल्व करके लिखो, जैसे माइनस माइनस प्लस 10 और आगे प्लस 4, सॉरी ये प्लस 4, तो ये आपने प्रॉपर लिख लिया, आपके पास क्या आया 17। इस तरह आप करते करते लास्ट तक चलोगे, साइन अगर आप चाहो तो माइनस माइनस दो कैलकुलेटर में, जैसे इसको सेकंड समझाता हूँ, माइनस 2 है, फिर 2 माइनस की साइन आ रही है, देखो ये माइनस फिर माइनस, फिर यहाँ सेकंड वैल्यू प्लस 0, तो ये आपने लिखा, जो आपके पास आंसर आएगा आप वो कॉपी करोगे। तो 3 आ रहा है, फिर
फिर माइनस एट, तो कैलकुलेटर में करना बेटा तो आप लोग आसानी हो जाएगी, कैलकुलेटर में नहीं करोगे तो फिर आपको मुश्किल होगी, बहुत लेंदी जाएगा, इतने लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपके टीचर आपको बोलते हैं लेंदी करने का, तो फिर आप एक स्टेप शो कर दोगे मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन वो बेसिक है, ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, प्रूव द आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक पहले होता था, इस तरह का सवाल नहीं, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल मैथ्स की ओल्ड बुक 2022 से पहले जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें भी था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इम्पॉर्टेंट में, इम्पॉर्टेंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड बुक या ओल्ड स्टूडेंट ले सकते हैं। आपके लिए इसके आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वहाँ से आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के चांस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप एक दफ़ा इसको सॉल्व कर लो, एक नज़र कर लो, आप भूलोगे नहीं इंशाल्लाह। फॉर्मूले याद करने हैं, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसानी से मैं समझा चुका हूँ। प्रूफ करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप ये दो मैट्रिक्स के बीच में साइन देख रहे हो प्लस की, जब दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस की साइन दी हुई है इसका मतलब पहले प्लस हो, और ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए पाबंदी हमारे लिए कि फर्स्ट स्टेप में पहले प्लस करेंगे देन मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। फॉर्मूले भी कौन से अप्लाई होंगे इसमें, देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा² का लगेगा क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, और फॉर्मूले भी लगेंगे इसमें, कैसे लगेंगे, 1 + ओमेगा का फॉर्मूला -ओमेगा² 1 + ओमेगा² -ओमेगा, फिर ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू -1, ओमेगा³ इज इक्वल टू 1, और ओमेगा 4 मैंने सॉल्यूशन समझाया पहले कैसे आता है, वो भी समझा देता हूँ वापस, ओमेगा³ इंटू ओमेगा में ब्रेक होता है, ओमेगा³ 1 हो जाता है, इसलिए ये ओमेगा बचता है, ओमेगा 4 अगर कहीं होगा वो ओमेगा रहेगा। तो इनमें से आपने इस पूरी एक्सरसाइज सवाल के अंदर फॉर्मूले अप्लाई करने और मल्टीप्लीकेशन एडिशन करने से। सवाल पे बढ़ते हैं, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं कि ये वीडियो अच्छी होती है, आसानी से समझ आता है, बहुत ईजी वे में समझाते हैं टीचर, तो आप इसको दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें कि इल्म बांटने से बढ़ता है कभी कम नहीं होता, मैं बहुत पहले भी आपको स्टार्ट में भी बता चुका था जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं प्लस पे, इन दोनों को प्लस करना है, मैं स्टेप को डायरेक्ट करने को करूँ तो वो पहली वैल्यू सारी फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 ओमेगा ओमेगा² फिर आपके पास यहाँ फर्स्ट लाइन में ओमेगा ओमेगा² और ओमेगा, मल्टीप्लाई में जैसे करते हो पूरा मैट्रिक्स उतार के इस मैट्रिक्स को उतार सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगे वे में आप वैसे करो, हर स्टूडेंट का अपना दिमाग होता है, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि उसको कैसे इजी लगता है, जिसे स्टूडेंट को जैसे इजी लगे वैसे करें, आंसर में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। रूल्स को प्रॉपर फॉलो करो तो मैथ्स जादू नहीं लगेगा, वरना आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको लगेगा मैथ्स किसी जादू की तरह है कि कब कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर मैथ्स में तो कभी भी कुछ भी करते, कभी कुछ ले लेते, कभी कुछ, ऐसा नहीं होता, हर जगह पर प्रॉपर एक रूल एक स्टेप फॉलो होता है, सही। देखो ये प्लस हो गया, अब देखो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूले लिखे ना ये तीन, इनमें से देखो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं 1 + ओमेगा, अब ये सारे फॉर्मूले ना वहाँ रफ के हेडिंग डालोगे, सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दोगे अपने पास, तो आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं, अपने सॉल्यूशन में एग्जाम में अगर सवाल आ जाए टेस्ट में आ जाए तो ऐसा लिख लेना। तो 1 + ओमेगा देखो आपके पास क्या है, -ओमेगा² आपने लिख दिया -ओमेगा², फिर इसी लाइन में देखो ओमेगा + ओमेगा² आपका -1 है आपने लिख दिया -1, ओमेगा² + ओमेगा - 1, फिर ओमेगा + ओमेगा² - 1, ओमेगा² + 1 -ओमेगा, फिर -ओमेगा, फिर -ओमेगा, -ओमेगा² और -ओमेगा², जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगे मैंने अप्लाई कर दिए और बाहर मेरे पास है 1 ओमेगा n ओमेगा². अब इन दो ब्रैकेट के बीच में साइन ना होने का मतलब है दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए रूल वही है, एक कॉलम है इसलिए इस मैट्रिक्स को एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, -ओमेगा - 1 - 1 - 1 - ओमेगा - ओमेगा - ओमेगा - ओमेगा² - ओमेगा² आपने एक दफ़ा लिख लिया, हर नंबर के बाद आपको पता है मल्टीप्लाई की साइन लगानी होती है, आपने मल्टीप्लाई की साइन आपने लगा दी, उसके बाद यहाँ से आपने नंबर लेने हैं 1 ओमेगा ओमेगा² ये साइन पहले से मौजूद है इसलिए साइन वाला स्टेप बच गया, जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया है वही नंबर आपने नीचे कॉपी कर देना है। तो ये आपने मल्टीप्लीकेशन का स्टेप कर दिया, आप सॉल्व कर लेते हैं -ओमेगा² देखो इतनी मल्टीप्लीकेशन करने का फ़ायदा होगा अब आपको बहुत ईजी लग रही होगी इंशाल्लाह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, -ओमेगा × ओमेगा ओमेगा² फिर नीचे -ओमेगा² फिर -ओमेगा³ फिर -ओमेगा² फिर यहाँ पर -ओमेगा³।
हर जगह एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे हर जगह साइन अंदर प्लस आएंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और जहाँ ओमेगा क्यूब है आपने रीजन दिया हुआ है वन के बराबर है, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फोर बताया हुआ ओमेगा के बराबर है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब है तो ये आ जाएगा वन। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत की है कहीं, तो यहाँ पर लाजमी आना था वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आना था, इसका मतलब या तो मैंने फॉर्मूले को पुट करते हुए कहीं गड़बड़ की है या कोई ना कोई सॉल्यूशन में गलती की है। तो मैं ज़रा अपनी गलती एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मेरी गलती क्या है। यहाँ पर ये नहीं देखो, ये ओमेगा स्क्वायर था, मैंने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा फोर आएगा, ओमेगा फोर आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। सही आ गया, होना यही है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, हर किसी में आपके पास यही तीन वैल्यूज नज़र आएंगे। तो माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, इसलिए अब आंसर आप लिखोगे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। इस सवाल में आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूफ आपका हो गया। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि फॉर्मूले एक ही सवाल में बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं। सही, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब होता है ए प्लस बी करूं या मैं बी प्लस ए करूं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। शुरू करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 1 माइनस का, फिर 2 माइनस 2 ज़ीरो, फिर आपके पास 1 5 माइनस 7, फिर उसके बाद प्लस करना है बी मैट्रिक्स है 9 7 माइनस 1 4 माइनस 8 ज़ीरो 6 5 3। प्लस करना बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट करोगे, देखो 3 प्लस 9 12, 4 प्लस 7 11, माइनस वन, फिर प्लस माइनस 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 वन और माइनस वन माइनस टू, फिर 2 प्लस 4 6, माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 6 6, 5 प्लस 5 10, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 होगा माइनस का। ये आपने ए प्लस बी किया, ये आ गया। दूसरी साइड पे आ जाते हैं बी प्लस ए। बी प्लस ए के वक्त आपने पहले बी मैट्रिक्स कॉपी करना है। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, 9 7 माइनस 1 4 माइनस 8 0 6 5 एंड 3। ये आपने एक दफ़ा लिखा, सेकंड दफ़ा आपको ए लिखना है प्लस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 3 4 माइनस 1 2 माइनस 2 0 1 5 7 माइनस 1। प्लस कर देते हैं जैसे पीछे किया है, 9 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सही, 9 प्लस 3 12, 7 प्लस 4 11, -1 -1 -2, 4 प्लस 2 6, -8 और -2 -10, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, उसके बाद 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 5 3 प्लस -7, तो -7 प्लस 3 -4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, एक चीज़ मैंने गलत की थी, देखो नज़र आ गई, यहाँ पर मैंने 1 प्लस 6 7 लिख दिया था। तो आपके पास इक्वल्स वाले सवाल में, प्रूफ वाले सवाल में बहुत अच्छा होता है कि गलती का चांस नहीं रहता, क्योंकि आपको पता आंसर सेम आना है, हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्रूफ, सही है। नेक्स्ट पार्ट भी दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, बी को ट्रांसपोज करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है। तो जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह करना है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जो न्यू है मेरे पास, सही है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बोर्ड साफ करता हूँ। पार्ट्स जो इसका नेक्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस तरह बोल रहे हैं ना उस तरह, पहले आपको ए बी और बाहर ट्रांसपोज दिया, तो पहला स्टेप ये है कि पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे। ए बी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपने लिखा 3 4 माइनस 1 2 माइनस 2 0 1 5 माइनस 7, ये लिख लिया। फिर आपने बी 9 7 माइनस 1 4 माइनस 8 0 6 5 3, ए बी हो गया। मल्टीप्लाई करना आप लोग ने अच्छे से सीख चुके हो, जो स्टूडेंट नहीं सीखा वो भी सीख लें वापस, कि हमें कॉलम काउंट करनी है। तीन कॉलम है, तीन कॉलम का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को आपने 3 टाइम लिखना है। अब
मल्टीप्लाई के लिए। तो 3 4 बहुत इजी मेथड जो है वो यही है, सही है। 2 - 2 = 0, 1 - 5 - 7। एक दफ़ा किया कॉपी, 3 - 4 - 1 - 2 - 2 = 1 - 5 - 7। फिर एक दफ़ा कॉपी किया, 3 - 4 - 1 - 2 - 2 = 1 - 5 - 7। नंबर्स कॉपी कर लिए, हर नंबर के बाद आप मल्टीप्लाई के साइन लगाओगे, हर किसी के बाद आपके पास क्या आ गई, मल्टीप्लाई की साइन आ गई। और जहाँ पर आपको नीड होगी वहाँ प्लस की साइन भी लगाओगे, जहाँ पर नहीं है साइन, सही है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के। तो पहले मल्टीप्लाई की साइन लगा दें, फिर वो स्टेप भी समझाता हूँ जो स्टूडेंट नए हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट लाइन है इसमें कुछ भी नहीं करते, बाकी सेकंड लाइन में जहाँ साइन है तो छोड़ देंगे, नहीं है तो वहाँ प्लस लगा देंगे। इस तरह थर्ड लाइन में भी यही, देखो फर्स्ट लाइन थी इसको छोड़ दिया, सेकंड लाइन में साइंस जहाँ नहीं थी वहाँ लगा दी, यहाँ की भी फर्स्ट लाइन छोड़ दी, सेकंड लाइन में जहाँ साइन ना नहीं थी तो मैंने लगा दी, सही है। ये -7 वैल्यूज उतार दी, उसके बाद यहाँ से नंबर उतर जाएंगे, 9 - 7 - 1 - 4 - 8 - 4 - 8, उसके बाद आपके पास 0, फिर 6 - 5 - 3, सही है। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया वही आप नीचे कॉपी कर दोगे, सही है। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का स्टेप हो गया। उसके बाद आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, सारी वैल्यूज़ को आप बारी बारी कैलकुलेटर में सॉल्व करते जाओ, डायरेक्टली जो आपका आंसर आता है आपने वो कॉपी करते जाना है, आंसर आप लिखोगे आपका सॉल्यूशन आगे आ जाएगा, सही। तो पहले मैं यहाँ पर ए बी किया है, क्योंकि मेरे को ए बी करने के बाद इसका ट्रांसपोज भी करना है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी का जो आंसर आता है वो आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, सही है। अच्छा, आपके पास ए बी, अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, जैसे ही आप कैलकुलेटर यूज़ करके करते जाओगे आपके पास जो आंसर आएंगे 40 - 17 - 2 - 4 - 32 - 4 - 31 - 29, मैंने देखो सॉल्यूशन करके रखा हुआ है -27, जहाँ मैंने सॉल्यूशन किया मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अब ए बी का ट्रांसपोज करना है। आपको पता है ट्रांसपोज में रॉ को कॉलम में आपने कन्वर्ट करना है सिर्फ। अब आपने ये नंबर्स में रॉ दी हुई है, जो 40 - 4 - 31 आपने कॉलम में ले ली, 17 - 32 - 29 इसको भी आपने ले लिया, -2 - 4 - 27 इसको भी आपने ऐसे ही ले लिया। तो ए बी होल मल्टीप्लाई के बाद ट्रांसपोज आपका हो गया। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले आपने यहाँ पर बी ट्रांसपोज को उतारना है, बी ट्रांसपोज उतारोगे तो 9 - 4 - 6, देखो बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हुए उतार रहा हूँ, 7 - 8 - 5, फिर -1 - 0 - 3, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से, एक की वैल्यू ये रही, और इसको ट्रांसपोज करके मैं यहाँ कॉपी करूँगा, सही है। देखो 3 - 2 - 1, रॉ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉलम में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है, रॉ से देख के कॉलम में कॉपी करना है, 3 - 2 - 1 हो गया। फिर आपके पास दिया है 4 - 2 - 5 हो गया, फिर -1 - 0 - -7, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर जो हम बार बार फॉलो करते आ रहे हैं उसी को आपको फॉलो करना है। मैट्रिक्स को आपने 3 दफ़ा लिखना है, क्योंकि आगे आपको 3 दफ़ा का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो -8, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, फास्ट हो जाता फॉरवर्ड, सही है। आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हो और आप लोग समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मल्टीप्लाई किया मैंने सबको, फिर +7 - 8 + 5, फिर उसके बाद -1 + 0, फिर +0 या +3, एक दफ़ा दो दफ़ा लिख लिया, तीसरी दफ़ा की जगह कम पड़ रही है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो 9 - 4 - 6, फिर +7 - 8 + 5, फिर -1 + 0 + 3, सही। नंबर्स यहाँ पर कॉपी करता हूँ, 3 - 2 - 1 - 4 - 2 - 5 - 1 - 0 - 7, जो नंबर ऊपर है वही नंबर आपने नीचे भी कॉपी करना है, तो -2 - 5, फिर -1 - 1 - 0 - 0 - 7 - 7, सही कॉपी हो गया। आगे आ जाते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन पे करेंगे,
तो आपको पता है सॉल्यूशन क्या आएगा, जो सॉल्यूशन आपने पीछे किया था वही सॉल्यूशन आपका आ रहा होगा वैसे तो, फिर भी आप कैलकुलेटर में करो, देखो फर्स्ट लाइन में आपके पास आ रहा होगा 40, फिर आपके पास यहाँ आएगा माइनस 4, फिर 31, फिर आपका आएगा 17, फिर 32, फिर 29, फिर आपका माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इन इसको और अपने आंसर को देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखो आपके सामने, दोनों दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पर भी आपका क्या प्रूफ हुआ, प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस सवाल में दो प्रॉपर्टी थी, एग्जामिनेशन या टेस्ट वगैरह आपके आपके असाइनमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से आप नीचे की अच्छी प्रैक्टिस करोगे, सही। तो आज की वीडियो यहीं तक समअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अलाफिज़ लेता हूँ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से वॉच कर लिया आपने तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर करें।